दोस्तों हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग कितना तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो बढ़ती जनसंख्या है उसके चलते जितना अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, और ये होने के लिए कंस्ट्रक्शन या फिर कॉन्क्रीटिंग बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है। उसका कम करने का एक ही तरीका है कि कंस्ट्रक्शन को तो हम रोक नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली टाइप्स के या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ करके हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। दुनिया की बढ़ती आबादी और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सिविलाइजेशन अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, और उसके चलते कॉन्क्रीटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे हो रहा है। कॉन्क्रीटिंग के चलते जो भी CO2 इमिशन होता है उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्यावरण को या फिर प्रकृति को नुकसान करके हो। तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन करना या फिर डेवलपमेंट करना तो हम कैसे कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल यूज करके इसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाना जरूरी हो गया है। इसका मतलब इको फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना ताकि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। अभी हम इको फ्रेंडली मटेरियल क्या है? इको फ्रेंडली मटेरियल एक एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करके मानवीय जीवन या फिर पर्यावरण को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे। यहाँ बहुत सारे इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं जो फाउंडेशन से लेके इंसुलेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, वॉल फिनिशेस, फ्लोरिंग और काउंटरटॉप टाइप कंस्ट्रक्शन में या फिर मटेरियल्स में यूज करते हैं। इको फ्रेंडली मटेरियल क्यों इस्तेमाल करना है? तो इको फ्रेंडली मटेरियल सबसे पहले वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बहुत आसानी से सड़ नेचुरली सड़ जाता है। उसके बाद उसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बिल्डिंग का एनर्जी बढ़ाता है, या फिर इसको हम एनर्जी इफिशियंट बोल सकते हैं। और इको फ्रेंडली मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी या फिर लाइफ स्पैन अच्छा होता है और ये बहुत ज्यादा देर टिकता है। इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करने से भूमि में, जल में और हवा में, तीनों में पोल्यूशन कम होता है। इको फ्रेंडली मटेरियल इजीली या लोकली अवेलेबल होता है, और इको फ्रेंडली मटेरियल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को हम रीयूज कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली मटेरियल एक टाइप से एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब एक अक्षय स्रोत है जो कभी खत्म न होने वाला रिसोर्स है। अभी हम शुरू करते हैं मटेरियल कौन कौन सा है। सबसे पहले है ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट एक पर्यावरण के अनुकूल कंक्रीट है, पर्यावरण के अनुकूल जो मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे बना हुआ रहता है। इसको बनाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ट्रेडिशनल अपना पारंपरिक कंक्रीट है उसके कंपेयर में ये कम CO2 उत्सर्जित करता है, फिर पैदा करता है। और ट्रेडिशनल कंक्रीट पारंपरिक कंक्रीट के कंपेयर में ये ज्यादा टिकाऊ है और सस्ता भी है। प्लास्टिक का डिस्पोजल एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए एक नया टेक्निक खोज लिया गया है। यह वेस्ट प्लास्टिक सीमेंट और एग्रीगेट को मिक्स करके ब्रिक्स के शेप में बनाया जाता है। प्लास्टिक रचना खत्म करने के लिए एक शानदार तरीका साबित हुआ है। प्लास्टिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ और वेट का रेशो हाई है। प्लास्टिक ब्रिक्स नॉर्मल ब्रिक्स के कंपेयर में लाइट वेटेड या फिर हल्के रहते हैं, और ये नॉइज और हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टी नॉर्मल ब्रिक के कंपेयर में 5 गुना इसकी ज्यादा है। अभी तक इनका इस्तेमाल
हाईवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स में किया गया है। और यह प्लास्टिक ब्रिक्स पर्यावरण को बढ़ावा देता है और भूमि जल और निकायों में जो उत्पन्न कचरे की मात्रा या फिर जो वेस्टेज है उसको कम करता है। नेक्स्ट मटेरियल है बाम्बू। बाम्बू का इस्तेमाल सदियों से कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है, ये लकड़ी के जैसे ही माना जाता है। इन दिनों में बाम्बू का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्योंकि लकड़ी की कमी के कारण इसे अधिक पसंद किया जा रहा है। अब बाम्बू में पुनर्निर्माण होने के गुण है। बाम्बू की दृढ़ता और लो कॉस्ट की वजह से इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाम्बू से तैयार गया रूफिंग शीट और प्लास्टिक और एस्बेस्टस और मेटल रूफिंग की जगह इस्तेमाल किया जाता है। बाम्बू रूफिंग शीट इको फ्रेंडली होते हैं और किसी भी वेदर कंडीशन को सह सकते हैं और उनको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। बाम्बू एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस विषय पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बगैस, नेक्स्ट अपना मटेरियल है बगैस पार्टिकल बोर्ड। बगैस एक शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। ये गन्ने का रस निकालने के बाद में जो भी छिलका बनता है उससे ये मटेरियल बनता है। ये इजीली कंपोस्टेड है और किसी भी नेचर को हार्म किए बिना तैयार होता है। बगैस एज ऑलरेडी यूज एज अ बायोफ्यूल, ये बायोफ्यूल के तो इस्तेमाल किया जाता है, जो भी ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बगैस अच्छा है, प्लाईवुड के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है और ये बिल्डिंग के फर्नीचर और पार्टीशंस में भी यूज किया जाता है। राइस हस्क ऐश कंक्रीट, चावल की भूसी की राख से बना कंक्रीट। चावल की भूसी को जलाने के बाद में जो राख बचता है उसको राइस हस्क ऐश कंक्रीट बोलते हैं। कंक्रीट की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल जले हुए अवशेषों को कंक्रीट के साथ मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में राइस हस्क ऐश कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इस कंपेरेटिव टू ऑर्डिनरी कंक्रीट ज्यादा है। ये करोजन रेजिस्टेंट है और केमिकल के भी रेजिस्टेंट है। राइस हस्क कंक्रीट एक इको फ्रेंडली मटेरियल है। इसका हाई परफॉर्मेंस मटेरियल मेनली स्मॉल और लार्ज स्केल के एप्लीकेशन में जैसे इंसुलेटर हो, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग हो और बाथरूम और स्विमिंग पूल में किया जाता है। नेक्स्ट मटेरियल है एसी ब्लॉक्स। एसी ब्लॉक्स मीन्स ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। ये एसी ब्लॉक्स इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये किसी भी शेप में या साइज में बनाए जा सकते हैं और इसका मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल का एक यूजेबल या फिर अच्छा मटेरियल में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट एग्जांपल एसी ब्लॉक्स है। और ये बहुत ही एनर्जी इफिशियंट है, रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक है, मोल्ड रेजिस्टेंट है और फायर रेजिस्टेंट है और ये इकोनॉमिकल भी है और इनका लॉन्गर लाइफ या फिर ड्यूरेबिलिटी अच्छा है। ये जनरली कंस्ट्रक्शन पे वॉल पार्टीशन में, वॉल्स में, रूफिंग पैनल्स में, फ्लोर पैनल्स में यूज करते हैं। एसी ब्लॉक और रेड ब्रिक्स में कुछ जो भी डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंसेस है, कंपैरिजन है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है पोरोथर्म ब्रिक्स। पोरोथर्म ब्रिक एक प्रकार का परफेक्ट पर्यावरण अनुकूल मटेरियल है। ये चावल की राख की भूसी, चूरा और कोयले की राख और अन्य मटेरियल को मिक्स करके मिट्टी के साथ उसको मिक्स करके बनाया जाता है। पोरोथर्म ब्रिक्स एक अंदर से हॉलो रहती है और उसके चलते वो लाइट वेट रहती है और इतना लाइट होने के बाद भी वो कन्वेंशनल ब्रिक से ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है। उनके कुछ फीचर जैसे लाइट वेट है, लो कॉस्ट है और वाटर अब्सॉर्प्शन भी उनका लो है और फायर प्रूफ है, थर्मली इंसुलेटेड है। पोरोथर्म ब्रिक्स का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 150 साल के ऊपर है और ये बिल्डिंग मटेरियल मेनली सब्सटेंशियल से इकोनॉमिकल और लो प्राइस है। टीएमटी बार्स। टीएमटी बार्स मीन्स थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये रेनफोर्समेंट स्टील का टाइप है
जो उसको सॉफ्ट इनर कवर, कोर कवर, टफ आवर बोल रहे हैं, मतलब इनर साइड उसका सॉफ्ट इनर रहता है और बाहर साइड में टफ लेयर रहता है। और TMT बार्स ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जहाँ रिइंफोर्समेंट RCC वर्क है वहाँ यूज करते हैं। और ये TMT बार जैसे एकदम हाई स्ट्रेंथ है, करोजन रेजिस्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ या फिर ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट मटेरियल है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके बनाया जाता है वो, और ये बनाते समय पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए ये बनता है। एक परफेक्ट ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है ये, पानी और हीट एब्सॉर्ब करता है और ये क्ले ब्रिक के कंपेयर में ज़्यादा प्रेफर माना जाता है। इसका जो कंपोजिशन है वो एकदम यूनिफॉर्म है और ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स लाइट वेट होने की वजह से ये बिल्डिंग के ऊपर जो भी डेड लोड है वो रिड्यूस करता है। ये इसका जो मेथड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मेथड जो है फ्लाई ऐश ब्रिक का, वो एकदम एनर्जी इफिशिएंट है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेनली सब्सटेंशियलिटी प्रमोट करता है और ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, इकोनॉमिकल भी है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है उनको प्रॉपर्टीज देखते हुए। तो उसका बटन आपको आई लिंक में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं जो इको फ्रेंडली है और जिनका इस्तेमाल करके हम ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।